This video is sponsored by www.lovetipsinhindi.com. Check description for more details. मेरे भाई, जब आप मैरिज में जाते हो या किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ पे किसी खूबसूरत हसीना को देखकर तुम्हारा दिल आ जाता है और मन ही मन में तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचते कि यार कुछ भी करके उस लड़की का मेरे से नंबर हाथ लग जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो ज्यादा कुछ होता नहीं क्योंकि उस लड़की को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उससे बात भी नहीं कर पाते। दोस्तों, इस तरह से अगर आप किसी लड़की का नंबर लेना चाहते हो तो अब इसके बाद आपके लिए सारी बातें करना पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको मास्टर प्लान बताने वाला हूँ किसी भी लड़की का उससे नंबर मांगने का। तो आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना होगा और डेफिनेटली आप ये काम कर पाओगे। हालांकि बहुत मुश्किल है, इस तरह से किसी भी लड़की का नंबर लेना बहुत ही मुश्किल है, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही टेस्टेड है, हमेशा काम करती है और करती है। तो इनके सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है कि अपना टारगेट सेट करना है और उसके बाद आप पार्टी या मैरिज में गए तो उसको एंजॉय करना है। दोस्तों, आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए, तो उसके बाद आपको पार्टी को एंजॉय करना है, इस तरह से दिखावा उस लड़की के लिए करना है और बाकी लोगों के लिए आपको ऐसा दिखावा करना है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पार्टी में है। इसके बहुत बड़े फायदे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लड़के ये करते कि पार्टी को एंजॉय नहीं करते, सिर्फ उस लड़की को घूरते हैं। जब आप इस तरह से लड़की को घूरते हो तो लड़की को आपके बारे में पता चल जाएगा कि ये लड़का कुछ ना कुछ मेरा नंबर लेने के लिए या मुझे पटाने के लिए कोई हरकत करेगा और लड़की अलर्ट हो जाती है। तो ये आपके लिए नुकसानकारक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पार्टनर इंजॉय करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको नोटिस करेंगे, हो सकता है वो लड़की भी आपको नोटिस कर ले। लेकिन आप उस लड़की को जानते नहीं है, उसके साथ बात कैसे करेंगे, उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो इंसान काम आ सकता है जो उस लड़की को जानता हो। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है, कोई ऐसा इंसान जो उस लड़की को जानता है, तो मान लो कि आपकी बात यहाँ पे बन गई, आपको करना क्या है कि उस लड़के को पटा लेना है, कुछ भी करके उस लड़के को पटा लेना है। और मैं इतनी तो उम्मीद आपसे रख ही सकता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वो आपका दोस्त उस लड़की के पास आपको ले जाएंगे, स्टार्टिंग में वो हाय हेलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्त आपका इंट्रोडक्शन उस लड़की से करवाएगा। तो ये परफेक्टली पहले से प्लानिंग होना चाहिए। आपका दोस्त कोई भी बहाना करके आप दोनों को बोलता है कि सॉरी 2 मिनट में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, उस तरह से उस लड़के को पहले से बोल के रखना है। ये बोल के आपका दोस्त आप दोनों को अकेले छोड़ के वहां से चला जाता है, फिर वो कभी आए ना आए उसकी परवाह नहीं है। तो उसके बाद लड़की और आप दोनों आमने सामने हो गए, ठीक है। नॉर्मली आप उनके साथ हाय हेलो करते हो, प्यार से उनका नाम पूछते कि व्हाट इज योर स्वीट नेम, इस तरह से आप दोनों की बातें स्टार्ट होती है। तो उसके बाद आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली चीज कि लड़के के साथ बात करने से कॉन्फिडेंटली बात करो, उसकी आंखों में आंखें देखकर बात करो। यहाँ पे जब आप कॉन्फिडेंट दिखोगे तो जो आप बोलते हो ना उसका प्रभाव दोगुना लड़के पे पड़ेगा और आपकी सारी बातें सामने वाला इंसान सच्ची मानेगा। यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपको लड़की को अपने बारे में बताना है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूँ या वहाँ पे जॉब करता हूँ, ऐसा अपने बारे में बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि बाय द वे आप क्या करते हैं, आपको स्टूडेंट है या जॉब करते, तो जो भी लड़की आपको आंसर दे डायरेक्टली आपको उनसे रिलेटेड चीजें करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की आपको कहती है कि मैं फिलहाल इस समय पे अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ 2 जगह पे या इन 2 कंपनियों में इंटरव्यूज दिए है, तुमको डायरेक्टली बताना की वाह तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन उसी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में मेरे मौसी का एक लड़का है, वहां पे जॉब करता है, मैं तुम्हारे लिए उसके लिए बात करूंगा ताकि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिले। जब आप ये वर्ड्स लड़की के लिए बोलते हो तभी लड़की के माइंड में ऐसे शब्द गूंजने लगते हैं कि काम का लड़का, क्योंकि आपकी वजह से लड़की को जॉब मिल सकती है ऐसा लड़की को लगता है। तो इसको कहते हैं लालच का जाल फेंकना। आपको पता होगा कि लड़कियां बहुत ही लालची होती है, जब आप उसे लालच देते हो तो वो आपकी जाल में फंसी जाएगी। वो सब्जी वाले से 2 रुपए का जब धनिया मुफ्त में नहीं ले लेती तब तक उनको कहाँ चैन मिलता है। इसलिए आपने तो उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर दी, तो क्या वो कोई लड़की आपको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। अब वो लड़की मन ही मन सोच रही होगी कि कुछ भी करके इस लड़के के साथ मेरा कॉन्टेक्ट बन जाए, इस लड़के का मुझे नंबर मिल जाए ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को पा सकूं। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम और बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये है ट्राई मारने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। अब आपको क्या करना है, आपको उस लड़की को बताना कि अरे यार सॉरी, मुझे अभी और इसी वक्त जाना पड़ेगा, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, वो मुझे याद आ गया। वैसे मुझे तुम्हारे साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक काम करो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम बाद में अपना कॉन्टेक्ट कर सकें।
दोस्तों ये ट्रिक अपनाते समय मुझे दो बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं ये बात बोलूं कि मुझे तुम्हारा नंबर, उससे पहले लड़की ने मुझे ये बोला है कि तुम मुझे अपना नंबर देके जाओ। यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जितने कॉन्फिडेंस में उनके सामने ये बातें करोगे ना, आपके सक्सेस होने के चांस दोगुने यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। तो कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपोर्टेंट। और दूसरी चीज जिसके बारे में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार लड़की का नंबर तो हम ले लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद सच तो उसको बताना ही है, उसको पता चल ही जाने वाला। तो दोस्तों ये कोई ऐसी चीज नहीं कि लड़की आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि आपको उनको वहीं पे यही रिप्लाई देना है कि तुम इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी कि तुम्हें देखने के बाद वहीं पे मेरा दिल तुम पे आ गया था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, कोई चांस लेना नहीं चाहता था, इसलिए ये सारी चीजें करके मुझे तुम्हारा नंबर लेना पड़ा, उसके लिए आप सॉरी बोल सकते हो। लड़की को बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने उनके नंबर लेने के लिए इतनी मेहनत की। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो, और मेरी वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो उनको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही जोरदार वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूंगा। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.lovetipsinhindi.com। थैंक यू सो मच।